प्रिय विद्यार्थियों, आपका आदर्श की डिजिटल क्लास में स्वागत है। हमने इससे पहले अध्याय चार के 7 न्यूमेरिकल किए थे, अभ्यास प्रश्न जो हैं आज हम लोग 8वें से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन है, चित्र में प्रत्येक संधारित्र की धारिता 1 पिको फैरड दी हुई है हमें, सॉरी 1 माइक्रो फैरड दी हुई है, और हमें पूछा गया ए व बी के बीच में तुल्य धारिता, ए व बी के बीच में तुल्य धारिता। प्रत्येक जो संधारित्र है उसकी धारिता सी 1 माइक्रो फैरड है। यहाँ आपको एक बात पर ध्यान देना होगा, पहली भुजा में एक संधारित्र है, फिर 2, फिर 4, ये गुणोत्तर श्रेणी की तरह हो गया। कौन सी श्रेणी की तरह? गुणोत्तर श्रेणी की तरह। 4 के बाद में 8, ऐसे 16, ये अनंत क्रम है। यहाँ दिया हुआ नहीं है लेकिन है ये अनंत क्रम वाला, ओके। तो फिर इस प्रकार के जो अपने पास अनंत क्रम तक की श्रेणी है उसका जोड़ कैसे किया जाए? देखिए, हम लोग सर्वप्रथम तो इस भुजा की धारिता लिखेंगे 1 माइक्रोफेरड है, फिर इस भुजा की धारिता लिखेंगे तो कितनी है? देखिए, श्रेणी क्रम है तो इसकी 1 है, इसकी 1 है, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 1/2 माइक्रोफेरड। कैसे? उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा पहले तो, फिर मैं दोबारा समझा देता हूँ। श्रेणी क्रम के लिए जो सूत्र अप्लाई होगा वो इस प्रकार से होगा। तो C की वैल्यू 1 दी हुई है तो 1/C'=1+1, तो C'=1/2 हो जाएगा। C' क्या है? इस भुजा की तुल्य धारिता है, तो कितनी निकल के आई? 1/2 आई। तो इसी प्रकार से हम लोग इसकी नीचे की भुजा की तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे तो वो कितनी आएगी? 1/4 माइक्रो फैरड। और इस भुजा की धारिता 1/8 माइक्रो फैरड। इस प्रकार से भुजाएं चलती जाएगी, कब तक? अनंत तक चलती जाएगी। इन सभी भुजाओं की धारिताएं हैं वो देखिए, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये संधारित्र जो है और इन दोनों संधारित्र के तुल्य संधारित्र, इन चारों संधारित्र के तुल्य संधारित्र और इन 8 संधारित्र के तुल्य संधारित्र, ये सभी कौन से क्रम में हैं? ये सभी संधारित्र परस्पर आपस में समांतर क्रम में हैं। और समांतर क्रम में धारिता कैसे ज्ञात की जाती है? सभी को जोड़ दिया जाता है। तो हम लोगों को इन सभी धारिताओं को क्या कर देना चाहिए? जोड़ देना चाहिए कुल धारिता निकालने के लिए। इन सभी धारिताओं को अनंत तक हमें क्या करना होगा? जोड़ना होगा। तो जोड़ते हैं इनको। तो हमें अगर तुल्य धारिता निकालनी है, तुल्य धारिता निकालनी है तो क्या करना होगा? इन सभी को जोड़ना होगा। 1+1/2+1/4+, इस प्रकार से ये सीरीज है जो कहाँ तक चलेगी? अनंत तक चलेगी। कौन सी सीरीज होगी ये? गुणोत्तर। और गुणोत्तर श्रेणी का योग आप जानते हैं, सूत्र में लिख के बताता हूँ, a अपॉन 1 माइनस r। इस प्रकार से सूत्र होगा तो C=2 हो जाएगा। a पहला पद कितना है? 1, और 1 माइनस r कितना है? 1/2 r। r कैसे निकलता है? उम्मीद है आपको याद होगा, ये आपकी गुणोत्तर श्रेणी मैथमेटिक्स का पार्ट है। ये पहला पद a और ये a गुणा में r, ये a गुणा में r स्क्वायर, इसी प्रकार की यह श्रेणी है आपके सामने। तो R कैसे निकलेगा? द्वितीय पद में पहले पद का भाग लगाने से। तो द्वितीय पद में पहले पद का भाग लगाओ तो 1/2 ही तो आएगा ना, तो R आ गया 1/2। R को कहते क्या हैं? सार अनुपात। तो C = बनेगा
ये वन हो गया, वन माइनस वन बाई टू, वन बाई टू, तो ये बन गया टू, बन गया सीधा कि वन बाय अपॉन में वन बाय टू है तो ऊपर आया टू माइक्रो फैरेड। तो इस चित्र के अंदर जो तुल्य धारिता है वो कितनी निकल के आई, टू माइक्रो फैरेड निकल के आई। तो ध्यान दीजिएगा बुक के न्यूमेरिकल में ये थोड़ा सा संशोधन करना है अपने को कि सीरीज कहाँ तक चलती है, आगे अनंत तक चलती है, तभी अपने दो माइक्रोफेरेड उत्तर आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए व बी के मध्य तुल्य धारिता 5 माइक्रोफेरेड है। ध्यान दीजिए यहाँ तुल्य धारिता ऑलरेडी दे रखी है, किस किस बिंदु के बीच में, ए व बी बिंदु के बीच में तुल्य धारिता हमें ऑलरेडी दे रखी है, और सी का मान पूछा है। सी कौन है, कोई अज्ञात धारिता ये रही, इसका मान हम लोगों से पूछा गया, इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो कैसे करेंगे, सर्वप्रथम हम इस चित्र को सरलीकृत करने का प्रयत्न करते हैं। सरलीकृत करते समय आप देखेंगे कि यह दोनों संधारित्र समांतर क्रम में है। देखिए समांतर क्रम की पहचान आपको पता है, कौन सी पहचान है कि संधारित्रों की प्रथम प्लेट एक ही बिंदु पर संयोजित हो, और संधारित्रों की द्वितीय प्लेट एक ही बिंदु पर संयोजित हो। तो इस प्रकार का संयोजन कौन सा संयोजन कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। यह बात इन संधारित्रों पर भी लागू हो रही है। देखिए पहली प्लेट एक ही बिंदु पर संयोजित है, ये बिंदु हो गया अपना, और द्वितीय प्लेट भी एक ही बिंदु पर क्या है, संयोजित है। तो ये संधारित्र भी कौन से क्रम में हैं, समांतर क्रम में हैं। तो इनको हम लोग जोड़ देंगे, अर्थात इनका तुल्य धारिता ज्ञात करके एक ही संधारित्र का प्रयोग करेंगे। तो अपना सरलीकृत चित्र किस रूप में बनने वाला है देखिएगा, ये बिंदु ए हो गया, ए से आगे चले संधारित्र आ गया, फिर आगे चलते हैं तो यहाँ आएगा हमारे पास एक तुल्य संधारित्र। इन दोनों के स्थान पर हमने एक ही प्रयोग किया है, तुल्य संधारित्र। इसके बाद में हम लोग इधर चलते हैं वापस और नीचे आएंगे तो ये अज्ञात धारिता का सी संधारित्र आ गया, ये 2 माइक्रोफेरेड का संधारित्र है, और यहाँ फिर कौन सा संधारित्र आ जाएगा, तुल्य, ये 2 4 और 4 है, इनके तुल्य वाला हमने यहाँ लगा दिया है। और ये बिंदु कौन सा हो गया है, बी, और ये बिंदु कौन सा हो गया है, ए। ओके, लेकिन इनकी धारिता होगी कितनी, देखिए समांतर क्रम है, सीधा जोड़ सकते हैं आप, समांतर क्रम में 1 + 1 = 2, तो इसकी धारिता होगी 2 माइक्रोफेरेड। और ये भी समांतर क्रम में सीधा जोड़ सकते हैं, कितना हो जाएगा इनका, 8 माइक्रोफेरेड। ओके, अब आप देखेंगे कि ये दोनों संधारित्र कौन से क्रम में हैं, श्रेणी क्रम में हैं, और ये दोनों संधारित्र आपस में श्रेणी क्रम में हैं। तो इन दोनों का तुल्य निकालेंगे, इन दोनों का तुल्य निकालेंगे, फिर जो ये दोनों के तुल्य बनेंगे वो परस्पर समांतर में बन जाएंगे। देखिए कैसे, मैं क्या कह रहा हूँ समझिएगा, जो अपना अभी चित्र है उसका जो सरलीकृत रूप है वो इस टाइप से बनने वाला है। ये बिंदु B है और ये बिंदु A है। ओके, अब A की वैल्यू और B की वैल्यू कैसे निकालते हैं देखिए आप, इन दोनों को जोड़ करके, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, जोड़ करके हमने ये बनाया है यहाँ ऊपर पड़ा जो है, और इन नीचे वाले दोनों को जोड़ करके हमने इस संधारित्र को बनाया है। अब हमें इनकी धारिताएं ज्ञात करनी है। एक काम करते हैं, इस संधारित्र की धारिता को सी डैश नाम दे देते हैं और इस संधारित्र की धारिता को सी डबल डैश नाम दे देते हैं। अब अपने सी डैश का मान निकालेंगे, सी डैश का मान निकालते हैं, मान ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे भी, इन दोनों को आप जोड़िए, इनकी तुल्य धारिता निकालिए। तो देखिए दोनों की दो दो वैल्यू है, तो सी डैश का वैल्यू आएगा 1/C =
वन बाय टू प्लस वन बाय टू, तो सी डैश इक्वल्स टू आ गया 1 माइक्रो फैरेड, ये सी डैश हो जाएगा। तो सी डैश की वैल्यू आ रही है ये 2, और 2 का जो तुल्य है वो 1 आ गया, जिसको हम सी डैश नाम दे रहे हैं। तो इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 1 माइक्रो फैरेड। ओके, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सी डबल डैश का मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा, वही तरीका वापस, सी डैश कौन है, इन दोनों का योग है, कौन सा, श्रेणी क्रम। तो इनमें से हम लोग सी डबल डैश को निकालेंगे जब इस प्रकार से जोड़ देंगे, 1/c प्लस 1/8, देखिए 8 या नहीं, ये वैल्यू 8 है। तो इसके बाद में 1/c इक्वल्स टू में एलसीएम आएगा 8c, और यहाँ बचेगा हमारे पास 8 और प्लस सी, तो सी डबल डैश का वैल्यू निकल के आया 8c/8 प्लस सी, ये आ गया सी डबल डैश का वैल्यू। सी डबल डैश और सी डैश कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो इनकी तुल्य वैल्यू समांतर क्रम के हिसाब से निकलेगी, मतलब इन दोनों को सीधा जोड़ना है तो इनका समांतर क्रम आ जाएगा। तो देखिए कैसे, अभी हम लोगों ने ए और बी के बीच में एक ही संधारित्र लगा दिया है, जिसको नाम दे दिया हमने सी ट्रिपल डैश, ए और बी बिंदुओं के बीच में है। तो ये इन दोनों का तुल्य है, किन दोनों का, इन दोनों का तुल्य है, तो ये कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में, तो डायरेक्ट जोड़िए इनको भी। अगर आपको सी ट्रिपल डैश का मान निकालना है तो आपको सी डैश और सी डबल डैश का समांतर क्रम संयोजन देखना है, तो समांतर क्रम में डायरेक्ट जुड़ेंगे। तो सी डैश की वैल्यू कितनी आई थी, 1, देखते हैं 1 ही आई है ना, सी डैश की वैल्यू आई है 1, और इसकी वैल्यू कितनी है सी डबल डैश की, इसकी है 8c/8+c। और ए और बी के बीच में तुल्य धारिता दी कितनी है, ए व बी के बीच में तुल्य धारिता हमें 5 माइक्रो फैरेड दी हुई है, कितनी, 5 माइक्रो फैरेड। तो हम लोग सी डबल डैश का वैल्यू यूज़ करेंगे 5। देखिए हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं यूनिट मात्रक, वो माइक्रो में है, तो हमारा उत्तर भी किस में आने वाला है, माइक्रो में आने वाला है, ये हमारे बात क्लियर रहनी चाहिए। तो इनका एलसीएम लेते हैं, तो 5 बराबर में 8+c, और यहाँ आ जाएगा 8+c और प्लस 8c, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई और कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 × 5 = 40 + 5c इक्वल्स टू में 8+9c। देखिए इन दोनों को जोड़ दिया ना हमने, 8c और c को, तो ये हो गया 9c। अब हम इस 5c को इधर ले आते हैं, 8 को इधर ले जाते हैं, तो ये होगा 40 - 8 इक्वल्स टू 9c - 5c। तो हमारे पास ये बचेगा, कितना बच जाएगा भाई, ये 4c इक्वल्स टू में ये हो गया 32। तो भाई सी इक्वल्स टू क्या वैल्यू निकल के आता है, 32/4, तो डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा सी का हमारे पास 8। मैंने अभी पीछे बताया था कि यूनिट कौन सी है, माइक्रो, तो यहाँ भी यूनिट कौन सी आएगी, माइक्रो फैरेड। तो अज्ञात राशि जो सी थी उसकी वैल्यू कितनी निकल के आई, 8 माइक्रो फैरेड। देखिए इन क्वेश्चनों को करते समय आप चित्र को सरलीकृत अवश्य कीजिए, तब क्वेश्चन बड़ा इजी होता जाएगा। देखिए पहले इन दो का हमने 1 बना दिया, इन दो का भी कितने बना दिया हमने, 1 बना दिया, फिर यहाँ इन दोनों का भी 1 बना दिया हमने, देखिए ध्यान से, और नीचे वाले दो का भी हमने क्या बना दिया, 1 बना दिया, फिर इन दो के स्थान पर भी हमने क्या किया, तुल्य वैल्यू निकाल दी सी, जिसको सी ट्रिपल डैश नाम दिया जिसको हमने। ये क्वेश्चन समाप्त हुआ, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चित्र अपने को दर्शाया गया है,
संधारित्रों की धारिता ज्ञात कीजिए। दो संधारित्र चित्र में दिख रहे हैं, दोनों की क्या ज्ञात करनी है? धारिता ज्ञात करनी है। प्लेट का क्षेत्रफल ए है, ठीक है भाई। प्लेटों के मध्य दूरी कितनी है? डी है। तो अपने पास दो चित्र हैं, मैं सर्वप्रथम एक नंबर चित्र की चर्चा करूँगा। चित्र नंबर फर्स्ट की चर्चा करता हूँ, चित्र एक से। अपने को दिया गया है प्लेटों के बीच की दूरी दी है, मतलब प्लेट्स एक तो ये रही और एक ये रही, तो इनके बीच की दूरी डी दी हुई है अपने को। ये लीजिए भाई, हमने डी प्रेजेंट कर दिया यहाँ पर। और अपने को क्या दिया हुआ है? प्लेटों का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? ए क्षेत्रफल दिया हुआ है। ध्यान से देखिए आप, इसके अंदर आपको दो संधारित्र नज़र आएंगे। आप इस भुजा से इधर और इधर दो संधारित्र देख पा रहे हैं। वैसे तो एक ही संधारित्र है, इसमें दो टुकड़े हैं इसके, क्योंकि परावर्तक माध्यम अलग अलग है ना दोनों में। तो ये कौन सा संयोजन है? देखिए, मैं इसकी चर्चा पहले भी डिटेल में कर चुका हूँ जब मैंने टॉपिक करवाए थे, श्रेणी क्रम समांतर क्रम टॉपिक करवाए हैं, उनकी विशेष स्थितियाँ करवाई थी, उनमें मैं इनकी डिटेल से चर्चा कर चुका हूँ। तो फिर भी पुनः बता देता हूँ, यहाँ आप इस संधारित्र को ऐसे दो टुकड़ों में बांटिए। इस लाइन के इधर एक संधारित्र और इस लाइन के इधर एक संधारित्र, और आप इस रूप में इसे देख सकते हैं, और इसकी नीचे की प्लेटें इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये बिंदु B हो गया और ये बिंदु कौन सा हो गया? ऊपर A हो गया। तो आप इस चित्र को देख करके आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा संयोजन है। यह है, ये बीच में परावर्तक माध्यम भरा हुआ है और इधर भी परावर्तक माध्यम भरा हुआ है, तो बताइए कौन सा संधारित्र है। लेकिन ये बात भी आपको ध्यान देनी होगी कि इस संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है। इस संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी डी ही रहेगी, ये चेंज नहीं होने वाली, ये दूरी थोड़ी ना चेंज होगी। लेकिन जो प्लेट का क्षेत्रफल है वो पहले टोटल कितना था? ए था, लेकिन अब कितना रह जाएगा? अब रह जाएगा ए बाय टू, और इसका भी कितना रह जाएगा? ए बाय टू। और ये दोनों संधारित्र कौन से क्रम में संयोजित है? ये दोनों संधारित्र समांतर क्रम में संयोजित है। इसका परावर्तक एप्साइलन आर वन और इसका एप्साइलन आर टू है। तो इसकी धारिता निकालो, इसकी धारिता निकालो, दोनों को जोड़ दीजिए। समांतर क्रम में डायरेक्ट जोड़ा जाता है ना, सी वन प्लस सी टू के रूप में। तो इसकी धारिता कितनी है? पहले संधारित्र की धारिता कितनी है? देखिए, ये समांतर प्लेट संधारित्र है, तो इसकी धारिता का सूत्र क्या होता है? पहले मैं सूत्र लिख के बताता हूँ, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। सूत्र होता है धारिता का समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, ए एप्साइलन नॉट अपॉन डी, और यहाँ गुणा में होता है एप्साइलन आर माध्यम की उपस्थिति में। तो क्षेत्रफल ए नहीं है हमारा, तो ए बाय टू है, तो हम ए बाय टू रख देंगे। दूरी डी है तो हमारे भी यहाँ डी है, और माध्यम का परावर्तक एप्सिलॉन आर वन और एप्सिलॉन आर टू है, तो उसी रूप में हम लोग इन सूत्रों का प्रयोग करने वाले हैं। तो देखिए, जो पहला संधारित्र है और दूसरा है, उन दोनों की तुल्य धारिता सी मान ली, तो पहले की धारिता कितनी होगी? पहले की धारिता होगी ए एप्सिलॉन नॉट ए बाय टू एप्सिलॉन नॉट एप्साइलन आर वन अपॉन डी। हमने वैल्यू रखी है, ए क्या था? ए था क्षेत्रफल, लेकिन है कितना? ए बाय टू, तो ए के स्थान पर हमने क्या रख दिया? ए बाय टू। इसी प्रकार से दूसरे संधारित्र की धारिता की वैल्यू ए बाय टू एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर टू अपॉन डी। इनको जोड़ा क्यों? मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जोड़ा इसलिए क्योंकि कौन सा क्रम है? समांतर क्रम है। इन संधारित्रों को किस क्रम में संयोजित किया गया है? समांतर क्रम में। तो हल करते हैं इनको, तो सी इक्वल टू क्या बनेगा? इनमें से कॉमन आ रहा है सब कुछ ही, एप्साइलन आर वन और एप्साइलन आर टू को छोड़ के ऑल ओवर कॉमन है हमारे पास वैल्यूज। तो ए एप्साइलन नॉट अपॉन टू डी, और अंदर बचेगा एप्साइलन आर वन प्लस एप्साइलन आर टू। तो ये आ गया
चित्र फर्स्ट के लिए हमारा आंसर, चित्र जो फर्स्ट हमने देखा था यहाँ, इसके लिए धारिता आ गई। ज्ञात क्या करनी थी, धारिता तो ज्ञात करनी थी ना, तो धारिता आ गई। चित्र सेकंड के लिए बिल्कुल ईजी है, हमें पहचान करनी होगी कि ये कौन सा क्रम है, समांतर या श्रेणी। तो पहले तो इसकी पहचान कर देते हैं, चित्र को ध्यान से देखिए। टोटल प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, प्लेटों के बीच की दूरी है डी, तो ये होगी डी बाई टू और ये होगी डी बाई टू, आधा आधा ही भरा हुआ, तो डी बाई टू हो गई। और क्षेत्रफल इसका कितना है ए, तो यहाँ दूरी बन रही है, वहाँ क्षेत्रफल बन रहा था। इसका चित्र से बताता हूँ कैसे दूरी बन रही है। मैं यहाँ एक चित्र बना लेता हूँ, चित्र सेकंड की चर्चा कर रहा हूँ मैं, चित्र जो सेकंड है उसकी चर्चा कर रहा हूँ। इसमें कुछ आप संधारित्रों को इस रूप में मान सकते हैं, ये संधारित्र हमारे पास इस रूप में संयोजित है, ये ऊपर वाला संधारित्र हो गया जिसके अंदर देखिए माध्यम भरा हुआ है हमारे पास, ये रहा एप्सिलॉन आर वन वाला, ये हो गया एप्सिलॉन आर वन का माध्यम, डी बाई टू डिस्टेंस होगी, डी थी टोटल, आधे भाग में भरा हुआ है, और ये हो गया नीचे वाला भाग, इसकी डिस्टेंस भी प्लेटों के बीच में डी बाई टू है। यहाँ एप्सिलॉन आर वन माध्यम भरा है और यहाँ एप्सिलॉन आर टू माध्यम भरा है, इस रूप में तोड़ के देख सकते हैं हम लोग इसे, तो कौन सा क्रम हो गया, श्रेणी क्रम हो गया। इसके लिए कौन से सूत्र अप्लाई कर देंगे, श्रेणी क्रम वाले। क्षेत्रफल कितना रहेगा, ए ही रहेगा। तो मान लीजिए पहले वाले की आपने तुल्य धारिता सी मानी थी, सेकेंड चित्र के लिए सी डैश मान लेते हैं, तो श्रेणी क्रम संयोजन है ना इनका, कौन सा संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन है। तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता वन अपॉन सी डैश, सी डैश तुल्य धारिता मानी है याद रहे, अपॉन में वन अपॉन इसकी धारिता, और इसकी धारिता कितनी कितनी होगी, इसकी धारिता होगी ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर वन अपॉन में डी बाई टू, टू ऊपर आ जाएगा भाई, ये इसकी धारिता धारिता होगी। उम्मीद है ये कैसे आया आप समझ गए होंगे। और इसी प्रकार से इसकी धारिता कितनी होगी, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर टू अपॉन डी बाई टू, टू ऊपर चला जाएगा, ये होगी इस नीचे वाले की धारिता। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रखूँगा, सी वन सी टू लिखने की बजाय डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ, तो वैल्यू आएगी टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर वन, और ये जो बटा में डी है ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये डी आ गया, प्लस ये जो दूसरे वाला है उसकी वैल्यू टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर टू। अब अपने इनको थोड़ा हल कर देते हैं, तो सी डैश इक्वल्स टू कॉमन क्या आ रहा है इनमें इससे भाई, एक तो डी अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट, तो वन अपॉन एप्सिलॉन आर वन प्लस वन अपॉन एप्सिलॉन आर टू। तो अब इसको सीधा कर लेते हैं, सी डैश ज्ञात करने के लिए तो टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये है देखिए ध्यान से, ये वैल्यू जो गुणा में है, उल्टा किया तो अपॉन में आ जाएगी ना, यहाँ भी गुणा में किसके, डी के, तो डी के साथ जाएगी नीचे, तो ये डी के साथ नीचे आ गई, वन अपॉन एप्सिलॉन आर वन प्लस वन अपॉन एप्सिलॉन आर टू। आप चाहें तो इसको एलसीएम लेके थोड़ा और हल कर देते हैं, तो क्या बनेगा, सी डैश इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और इसका एलसीएम क्या आने वाला है, एप्सिलॉन आर वन गुणा एप्सिलॉन आर टू, वो ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन आर वन और एप्सिलॉन आर टू, और बटा में क्या रह जाएगा, एप्सिलॉन आर वन प्लस एप्सिलॉन आर टू, ये अपॉन में रह जाएगा। ये हो जाएगी इस पर सेकेंड चित्र में तुल्य धारिता, ये जो सेकेंड डायग्राम है इसके लिए तुल्य धारिता। तो आप ये समझ गए होंगे कि इस प्रकार से अगर प्रवतंग माध्यम भरा गया है तो ये श्रेणी क्रम हो गया, और इस प्रकार से इधर और इधर भरा गया है तो कौन सा क्रम हो गया, ये समांतर क्रम हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चित्र ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात की, सिंपल सारे एक जैसे से क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई अंतर है नहीं इनमें, तो इसकी भी तुल्य धारिता हम ज्ञात कर देते हैं। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, वही काम करना है पहले, कौन सा
चित्र का सरलीकृत रूप। तो आप देखिए ये दोनों किस क्रम में संयोजित हैं, भी इसको ऐसे देख लेते हैं, ये दोनों संधारित्र किस क्रम में संयोजित हैं। आप चित्र को देख के इजीली पता लगा सकते हैं ये है श्रेणी क्रम में संयोजित। ओके, तो इन दोनों का अपने तुल्य निकालते हैं, मैं यही निकाल देता हूँ, 1/8 प्लस 1/4, तो एलसीएम आएगा 8, तो ये 1+2, तो ये हो गया 3/8, कितना हो गया 3/8, तो 1/C- के रूप में होता है ना इसका फॉर्मूला, तो 8/3 होगी इसकी वैल्यू। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ वैल्यू कि भी आप जब सरलीकृत करेंगे इसे, आप इसे सरलीकृत करेंगे तो चित्र बनने वाला है कुछ ऐसा। ये तो रहेगा ये बिंदु और इसकी दो शाखाएँ आ गई यहाँ, इन दोनों के स्थान पर एक लगाएंगे, इन दोनों के स्थान पर भी एक लगाएंगे और इनको जोड़ेंगे और यहाँ एक संधारित्र और दिया हुआ है चित्र में, बी हो गया। इसकी वैल्यू हमें 16 दी हुई है, इसकी वैल्यू 4 दी हुई है, इसकी वैल्यू 12 दी हुई है, इसकी अभी अभी हमने निकाली थी, कितनी निकाली थी, इसकी वैल्यू निकाली थी हमने 8/3, कितनी निकाली थी 8/3। अब ये कौन से क्रम में हो गए भाई, ये कौन सा क्रम है, ये समांतर क्रम है, तो 8/3 + 4, तो इन दोनों की तुल्यधारिता, इन दोनों की तुल्यधारिता क्या हो जाएगी भाई, 8/3 + 4, एलसीएम आ गया 3, तो 8+ ये हो गया कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12, तो ये हो गया 20/3, कितना हो गया बेटा 20/3 हो गया तुल्यधारिता। तो इन दोनों के स्थान पर हम हटा के क्या लगा देंगे, 20/3 लगा देंगे। तो आगे चलते हैं, अब अपने पास एक संधारित्र इन दोनों के स्थान पर एक आ जाएगा, ये तो अलग पड़ा ही है, ये बिंदु बी हो गया, ये बिंदु ए हो गया। तो अब इनकी वैल्यू और देख लें कितने हैं, देखिए इसका 12 पहला लिख दिया, इन तीनों के स्थान पर एक आ गया ना, अब ये इन दोनों के स्थान पर एक हो गया, तो अर्थात इन तीनों के स्थान पर एक हो गया। बात देखिए 20/3 का वैल्यू है उसका, तो इसका वैल्यू है 20/3, इसका कितना था, 16 था या 12 था, देखते हैं 12 है इसका और आगे वाले का 16 है, तो इसका वैल्यू है 12 और इसका कितना है 16, कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम का सूत्र लगाइए। तो तुल्य धारिता अगर हमने निकालनी है, ए व बीच के तुल्य धारिता निकालनी है हमें ए और बी के बीच में, तो सी तुल्य धारिता मान लीजिए, सूत्र हो जाएगा 1/12 प्लस ये भी उल्टा हो जाएगा ना, तो ये कितना बनेगा 3/20 प्लस 1/16, एलसीएम इनका निकालेंगे तो अपने आ जाएगा 240, भाग भूग लगाते हैं एक मिनट रुकिए, तो भाग लगाएंगे ये हो गया 20, ठीक है 20 का भाग लगाएंगे तो 0 और 12 × 36 हो जाएगा बिल्कुल, और 16 का भाग लगाएंगे, 240 में हम लोग भाग लगाते हैं 16 का, तो 16 × 16 = 8, 0 × 16 = 85 होते हैं ना, सही है ना, कैलकुलेशन देख लेना भाई, तो ये हो कितना जाएगा 30 और ये 10 = 40, 50 = 60 और 60 = 70 और 1 = 6 और 5 = 11 = 71, तो ये वैल्यू बनती है 1/C = 71/240 एंड C = 240/71 μF। ये हो गई तुल्यधारिता कैलकुलेशन, आप देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए, तो आज अपने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, हमने 11 क्वेश्चन किए हैं, पीछे कितने रह गए 5 क्वेश्चन, वो आप स्वतः कीजिएगा, मैं भी करवाऊँगा बाद में।